क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये पार्ट में इन्होंने क्या पूछा। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए तीन समीकरण बनाइए, यानी 3 इक्वेशन हमें क्या करना है, बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट है, हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सॉल्व करवाएंगे। तो ये पार्ट में लिखिए 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ एक्स इज इक्वल टू 2, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे एक्स बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए तीन समीकरण, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट समीकरण यानी फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या मिला था, x इज इक्वल टू 2, यहां लिखिए x इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसमें करना क्या है, हमें तीन इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोई सा भी नंबर लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर लेकर y। तो देखिए हम नंबर ले रहे हैं 10, ठीक है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हिंदी मीडियम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए x है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर भी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए 10 इंटू एक्स, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या मिलेगा, 10x ही मिलेगा इज इक्वल टू, 10 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कोई भी नंबर लेकर ऐड करेंगे। तो यहां लिखेंगे एडिंग देखिए हम दो नंबर ले रहे हैं यानी 2 ले रहे हैं, 2 बोथ साइड्स, ठीक है। 2 नंबर क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए यहां पे 10x है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो लिखे 10x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां क्या मिला, 20, तो यहां 20 प्लस 2 दोनों साइड हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 2। सॉल्व कीजिए, देखिए 10x प्लस 2 एडिटिव उतारिए, अब यहां देखिए 20 प्लस 2 क्या मिला, 22, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आंसर है, हमने इक्वेशन बना दिया। चलिए अब दूसरा यानी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पे लिखिए सेकंड पार्ट, यानी हमें तीन इक्वेशन बनाना है, ध्यान रहे हम दूसरा इक्वेशन बनाने जा रहे हैं x इज इक्वल टू 2 का, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y, ठीक है। देखिए हम कोई सा भी नंबर लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहां पे हम 5 ले रहे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे दोनों
पक्षों में पांच से गुणा करने पर। तो देखिए पांच से गुणा करेंगे हम दोनों साइड पे, तो देखिए x में गुणा कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे 5 into x इज इक्वल टू, यहां क्या मिला 2, तो हम क्या करेंगे 5 into 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x मिला इज इक्वल टू, 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट में क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम सेपरेट करेंगे, कोई सा भी नंबर लेकर सेपरेट करेंगे। चलिए यहां लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग 3। देखिए हम 3 नंबर ले रहे हैं, 3 को क्या करेंगे सेपरेट करेंगे दोनों साइड में यानी माइनस करेंगे। यहां लिखेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, ठीक है। चलिए माइनस करके दिखाते हैं आपको, तो देखिए 5x है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे 5x, अब माइनस करेंगे 3 को, तो यहां माइनस 3 कीजिए इजिकल्स टू है इजिकल्स टू, अब देखिए 10 मिला तो यहां 10 लिखिए और इधर भी माइनस कर दीजिए 3 को, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 5x-3 एडिटिव उतारिए, अब यहां देखिए 10-3 यानी 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पे 7, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड मिला, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड देखते हैं इसका, तो देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड x इज इक्वल टू 2। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने एडिंग किया था, सेकंड में हमने सेपरेट किया, थर्ड में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स y, तो देखिए यहां पे हम कोई सा भी नंबर लेकर डिवाइड कर सकते हैं, हम 5 ले रहे हैं, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, तो देखिए x है, x लिखिए, 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अपॉन क्या करेंगे 5 इज इक्वल्स टू 2 है 2 लिखिए, अब देखिए इससे भी डिवाइड करेंगे तो 5 मिला, यानी दोनों साइड हमने क्या कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया। हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया 5 से भाग दे दिया, ठीक है। चलिए ये 3 इक्वेशन हमारा ए पार्ट का सॉल्व हुआ, चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका। तो देखिए बी पार्ट में इन्होंने क्या दिया, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू -2, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने ये दिया है x बराबर -2 से प्रारंभ करते हुए 3 इक्वेशन बनाइए, ठीक है, हमें 3 इक्वेशन बी पार्ट में भी बनाना है, चलिए बनाकर दिखाते हैं आपको। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं x इज इक्वल टू -2 का, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x बराबर -2, हिंदी मीडियम लिखेंगे x बराबर -2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहां लिखिए फर्स्ट इक्वेशन ये उतार लीजिए x इज इक्वल टू -2, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखिए मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स वाई। तो देखिए कोई सा भी नंबर लेकर दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम थ्री नंबर ले रहे हैं यानी थ्री ले रहे हैं, दोनों साइड क्या करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। हिंदी मीडियम लिखेंगे दोनों पक्षों में तीन से गुणा करने पर। तो देखिए हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, तीन से गुणा करेंगे। तो देखिए एक्स है तो यहां लिखेंगे हम तीन से गुणा करेंगे तो यहां हम लिखेंगे थ्री इंटू एक्स इजिकल्स टू। अब इस साइड भी हम क्या करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे थ्री इंटू ब्रेकेट में माइनस का टू। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, थ्री एक्स है थ्री इंटू एक्स, थ्री से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स मिला बराबर। अब देखिए थ्री इंटू माइनस टू है, थ्री से टू में मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स मिलेगा, यहां साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्या मिला माइनस। ठीक है चलिए अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं यानी सेकेंड पार्ट। तो यहां लिखिए सेकेंड पार्ट एक्स इजिकल्स टू माइनस का टू। ठीक है सेकेंड पार्ट बना रहे हैं, फिर वही काम करेंगे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय थ्री। ठीक है हम थ्री से क्या कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, हिंदी मीडियम लिख लेंगे यहां पे दोनों पक्षों में तीन से गुणा करने पर। ठीक है तो देखिए एक्स है हम थ्री से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स इजिकल्स टू माइनस का टू है तो इसमें भी हम क्या करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, थ्री से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स मिला बराबर, थ्री टू से क्या मिला सिक्स, यहां साइन नहीं तो क्या प्लस इंटू माइनस क्या मिला माइनस। ठीक है अब क्या करेंगे इन दोनों में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है तो यहां लिखेंगे एडिंग। ठीक है अब कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं। तो देखिए हम सेवन ऐड कर रहे हैं, सेवन टू बोथ साइड्स। ठीक है हिंदी मीडियम लिखेंगे दोनों पक्षों में सात जोड़ने पर। तो देखिए हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, सेवन ऐड कर रहे हैं। तो देखिए थ्री एक्स है तो यहां लिखिए थ्री एक्स, ऐड करना है हमें सेवन तो प्लस का सेवन कीजिए इजिकल्स टू, माइनस का सिक्स है माइनस का सिक्स कीजिए और प्लस का सेवन इधर भी हमें क्या करना है ऐड करना है। ठीक है तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, थ्री एक्स प्लस सेवन आईडीटी लिख दीजिए इजिकल्स टू। अब देखिए माइनस का सिक्स है ये प्लस का सेवन है तो सेवन में से सिक्स को माइनस करेंगे क्या मिलेगा वन, साइन किसकी बड़ी है प्लस वाले की, प्लस का साइन दे भी सकते हैं नहीं भी। तो ये देखिए सेकेंड इक्वेशन हुआ, चलिए थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां लिखिए थर्ड इक्वेशन ठीक है, चलिए तो इक्वेशन इसी का बनाना हमें एक्स इजिकल्स टू माइनस का टू। ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, इसमें में भी क्या करेंगे थ्री से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हिंदी मीडियम लिख लेंगे दोनों पक्षों में तीन से गुणा करने पर। ठीक है तो देखिए हम तीन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों पक्ष में, तो देखिए x है तो यानी थ्री इंटू एक्स इजिकल्स टू, अब माइनस टू में भी क्या करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां थ्री इंटू ब्रेकेट में माइनस टू। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं, थ्री से x में मल्टीप्लाई करेंगे
थ्री एक्स मिलेगा इजी कास्ट टू, थ्री इंटू ब्रेकेट है माइनस टू है, थ्री से टू में मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स मिलेगा, यहां साइन नहीं है तो क्या है प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या मिला माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों में हम ऐड करेंगे, कोई सा भी नंबर लेकर ऐड करेंगे, चलिए हम टेन लेकर ऐड करते हैं, यहां लिखेंगे एडिंग टेन टू बोथ साइड्स। ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे दोनों पक्षों में दस जोड़ने पर। ठीक है, तो चलिए दोनों साइड हम क्या करते हैं टेन को ऐड करेंगे, देखिए थ्री एक्स है यहां पे, तो लिखिए थ्री एक्स, ऐड करना है हमें क्या टेन, प्लस का टेन कीजिए इजिकल्स टू है तो यहां पे क्या करेंगे इजिकल्स टू, क्या मिला माइनस का सिक्स, तो माइनस का सिक्स प्लस टेन कर दीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए थ्री एक्स प्लस टेन आई डी टी लिखिए इजिकल्स टू, देखिए माइनस का सिक्स है या प्लस का टेन है, तो टेन में से सिक्स को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा फोर, साइन किसकी बड़ी है प्लस वाले की, तो प्लस का साइन यहां दे सकते हैं नहीं भी, तो ये हमारा होता है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।